फिर उन्होंने हमें इंडियन फूड भी प्रोवाइड किया था, रोटी सब्जी, और उसके बाद उन्होंने हमें इंश्योर किया कि लाइक कल लाइक थर्ड को तुम्हारी टिकट हम करवाएंगे एंड आप लोग आपके फैमिलीज के साथ डिनर कर रहे हो, ऐसे हमें इंश्योरेंस मिला था। इंडिया में जो तुम लोगों ने इंडिया में एडमिशन लेने के बजाय वहाँ पे एडमिशन लेने का क्यों सोचा? बहुत से रीजंस थे उसके। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट ब्लॉग जिसमें मैं मौसा वगैरह हमारी फैमिली अक्षत को पिक करने गई थी, वो ब्लॉग देखने के बाद काफी लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि, पहले ये बता देता हूँ, ये दोनों भी यूक्रेन से वापस आए। यूक्रेन से अक्षत वापस आया था, उसी को हम पिक करने गए थे लास्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने ब्लॉग देखा उन लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी थी कि ये बच्चे वहाँ पे फंसे कैसा, वहाँ से निकले कैसे, वॉर सिचुएशन स्टार्ट कब हुई, यूनिवर्सिटीज ने इनको क्या क्या बोला, इंडियन एम्बेसी ने इन लोगों को कैसे हैंडल किया, या इन लोगों ने वॉर सिचुएशन कैसे हैंडल की, ये लोगों को जानने की बहुत सी क्यूरियोसिटी है। इसलिए हम लोग ये वाला डिस्कशन ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो ये है मंदिरा और ये है अक्षत, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो आज हम लोग इनके साथ डिस्कस करेंगे कि आप स्टार्टिंग से, जब से न्यूज आना स्टार्ट हुई कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ने वाला है, तब से लेके तो इंडिया पूना तक पहुंचने तक इन लोगों ने क्या क्या फेस किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने मतलब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पता चला कि रशिया यूक्रेन पे वॉर छेड़ने वाला है। तो तब मैंने मौसी को कॉल किया था। मौसी को कॉल करने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि यूनिवर्सिटी ने तुम लोगों को बोली कि कुछ खतरा है नहीं। तब एक्चुअल में खतरा नहीं था, वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अब यूनिवर्सिटी ने तुम लोगों को बोला था शायद कि ऑफलाइन ही लेक्चर कंटिन्यू होने वाले हैं, ऑनलाइन का कुछ ये नहीं है। तो उसके बाद हुआ क्या? उनके चॉइस पर था, वो निकले निकल सकते। नॉन एसेंशियल्स मतलब जो जिनका ज्यादा रूटीन है, जिनको यूक्रेन में जाना स्टूडेंट्स है वो जा सकते हैं वापस स्टूडेंट्स को हमें वापस, स्टूडेंट्स के सेफ्टी के लिए पेरेंट्स चाहते थे कि स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ जाए, बराबर है, इसलिए एडवाइजरी ऐसी दी थी स्टार्टिंग में। तो फिर भी तुम लोग वहाँ पे रुके? हाँ, हमें रुकना पड़ा मजबूरी, क्योंकि तुम्हारे ऑफलाइन लेक्चर थे। और वहाँ पर ऐसा चलता है कि तुम क्लासेस मिस करते हो तुमको पे करना। हाँ, पे कर। ये भी सुना है मैंने कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है यूक्रेन में, MBBS थर्ड ईयर में तुम लोग अभी, तो अगर ये एक भी लेक्चर या एक भी दिन मिस करते है तो इनको पे करना पड़ता है कुछ फाइन के दौर। वॉर कब स्टार्ट हुआ? नहीं तो उसके उस दौरान भी हमें यूनिवर्सिटी से बताया गया था कि अगर तुम निकलना चाहते हो निकल सकते हो, तो तुम फ्री रिवर्क कर सकते हो, मतलब यूनिवर्सिटी तुम्हें प्रोवाइड करेगी कि तुम फ्री रिवर्क कर लो और तुम जा सकते हो इंडिया। बट तब हालात हमें भी इतने सीरियस लगे नहीं कि इतने होंगे, बट यूनिवर्सिटी ने उनका काम कर दिया था, उन्होंने कह दिया था तुम इंडिया में जाकर फ्री रिवर्क करो, ऑनलाइन ही रिवर्क है। हाँ, और रिवर्क तो वैसे भी ऑनलाइन होने वाले हैं, तो तुम रुकना रुक सकते हो, जाना तुम्हें अनकम्फर्टेबल लगे तो निकल सकते हो। तो लाइक हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने कर दी थी बुक, जो मेनली फर्स्ट ईयर के थे, तो उन्होंने बुक कर दी थी उनके टिकट और कुछ तो चले भी गए थे। लाइक हमें जनवरी और फेब छुट्टियां भी थी, तो उसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स बहुत से चले गए थे, वो प्लान भी कर रहे थे आने का, बट यही सब यूनिवर्सिटी के वजह से काफी लाइक रुके हुए थे, आए या ना आए, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने एक फर्म डिसीजन नहीं दिया था, या तो जाओ या तो रहो। ऐसा उन लोगों ने अगर तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो कि जाओ तो सब लोग एक साथ निकल देते, लेकिन यूनिवर्सिटी ने 50-50 बोला तुम लोगों को, जिनको रहना है रहो, जिनको जाना है जाओ, और जो जाएंगे उनका फ्री रिवर्क होगा ऑफलाइन ऑनलाइन। हाँ, तो जो लोग जाएंगे उनको बाद में हम रिकवर कर लेंगे। रिवर्क का अलग शेड्यूल होता है, नॉर्मल क्लासेस से अलग होते हैं रिवर्क।
और चालू कब हुआ? 24th को नाइट में, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या चल रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे? हम तो सोए थे। क्या मालूम कैसे पता क्या हुआ? नहीं, अचानक से सुबह उठे और न्यूज में, मुझे तो मेरे रूम पार्टनर ने बताया था, वो जाग गया था जल्दी, उसने न्यूज में देखा। अच्छा, तुम्हारी सिटी में तब तक कुछ चल रहा नहीं था ना? सिटी में तो अब तक भी कुछ नहीं। तुम्हारी सिटी का नाम क्या है? हम टर्नोपिल के। टर्नोपिल, हाँ, टर्नोपिल एकदम वेस्टर्न यूक्रेन में आता है। अनि वॉर पहले स्टार्ट कहां हुआ? ईस्टर्न में, जैसे डोनबास, डोनेस्क और लुहान्स्क, इन सिटीज में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद तो फिर वो ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा ही बढ़ गए। फिर हम ऐसे ही न्यूज देखते थे कि अभी हमको तो अभी तक खतरा है नहीं कुछ। तो फिर बढ़ता गया माहौल, हीट ज्यादा हीटअप हो गई थी, माहौल गर्म में। वो बंकर्स वगैरह का सीन कब हुआ? वो एक्चुअली हुआ हमें 24 को, तो 24 को हमें बताया गया था कि ईस्टर्न हो गया, कि पे हो सकता है। तो तुम हमें बताया गया था यूनिवर्सिटी से भी, थी एडवाइजरी कि तुम ये कर लो, इसेंशियल जो तुम्हारी चीजें जैसे कि खाना हो गया, पानी, ये सब चीजें स्टोर करके रखो। अच्छा, स्टोर करके रखो पहले से? हाँ, इन केस अगर जरूरत पड़ती। और कहा भी गया था कि एक बैग डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रखना। अच्छा, मतलब तुम्हारे जो कुछ भी सबसे ज्यादा एसेंशियल सामान था वो रेडी रखो, कभी भी निकलना पड़ सकता है, निकलना भी पड़ सकता है, कभी बंकर में छुपना पड़ सकता है। तो बंकर की कॉन्सेप्ट ये है, मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, बंकर मतलब वो प्रॉपर वाले जो हम मूवीज वगैरह में बंकर देखते वैसे वाले बंकर नहीं थे। इनका जो हॉस्टल था उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर था, बराबर ना? ग्राउंड फ्लोर, हाँ, बेसमेंट में हमारे हॉस्टल का हो गया। बाकी टर्नोपिल में बहुत से बंकर है, सोए थे। अलार्म बजने चालू हुआ कि तुम खुद से गए नीचे? नहीं, अलार्म जब बजता था हमें वार्निंग दी, जब अलार्म बजेगा तभी जाना है। तो अलार्म बजने चालू होते हैं जब पूरे लगातार एक मिनट के लिए बजेगा तब तुम्हें बंकर में जाना है, नहीं तो नहीं। और 4-5 सेकंड के लिए है तो खतरा टल गया, ऐसा उसका साइंस होता है। लाइट्स भी ऑफ करने होते हैं, टोटल पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ कर दी, फिर बंकर में जाना है, ये उसका। तो 25 को ये सीन था, उसके बाद तो अभी वापस 24 पे आते हैं। 24 पे हमें बताया गया कि तुम सामान वगैरह सब स्टोर करके रखो। और 24 के दिन हमें सुबह मेल आ गया था कि तुम्हारे क्लासेस आज के दिन ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं। 24 हम सुबह सुबह सब निकल पड़ते पानी और खाना स्टोर करने, जैसे बताया गया था। तो फिर सामने सुपर मार्केट है हमारे हॉस्टल के, वहाँ काफी लंबी लाइन थी, काफी लंबी भीड़ थी वहाँ पर। तो वहाँ हम सामान वगैरह लेने, जो इसेंशियल थे, फूड वगैरह, वो मोर इसेंशियल जैसे ब्रेड, मिल्क, जो इंस्टेंट एनर्जी दे, बिस्किट्स, हम वो ले रहे हैं, इंस्टेंट फूड। और स्टोर के स्टोरेज के हिसाब से जो खराब ना हो चीजें, राइस, दाल, ये सब लाए स्टोर करके रख सको। तुमने कलेक्ट वगैरह करके रखे, उसके बाद 25th को ये वाला सीन हुआ, तुम लोगों को बंकर में जाना पड़ा, अलार्म वगैरह बजने चालू हुए। उसके बाद तुमने बस कब पकड़ी? हमने लगभग 25 को ही फिर डिसाइड कर लिया कि बसेस अरेंज करने, अभी निकलना तो था कि फिर जिस दिन हमला हो गया उस दिन हमें यूनिवर्सिटी से बताया गया था कि अगर तुम खुद से निकल सकते हो तो निकलो। तो 4 कंट्रीज दिए थे हमें, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवेकिया और हंगरी। ये इंडियन एम्बेसी दी थी, यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं। इनको इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये 4 कंट्रीज के बॉर्डर दिए गए थे कि बुबा तुम खुद से इन 4 बॉर्डर पे आ सको तो वहां तक आ जाओ, उसके बाद हम लोग तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे, बराबर? तो उसके बाद तुमने लोगों ने अरेंज कैसे किए बस? तो फिर बाद में लाइक 25 को किए है ना, 25 तो लाइक अरेंजमेंट्स भी हो नहीं रही थी जल्दी से बसेस की। हाँ, फिर बाद में इंडियन एम्बेसी के लाइक वो लोग कह रहे थे कि हम ईयर वाइज इवैक्यूएट करेंगे,
तो फिर बच्चों में भी वो हो गया कि अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे. फिर हमने थोड़ा वेट किया, फिर वेट किया, फिर उसके बाद हमने कॉल किया एम्बेसी में. उन्हें हमें पूछा कि हम खुद से निकल सकते हैं क्या बस करके, लाइक क्योंकि सिचुएशन. तुम लोगों ने, तुम स्टूडेंट लोगों ने एम्बेसी को पूछा कि तुम खुद से खुद बॉर्डर तक पहुंचेंगे, उसके बाद तुम हम लोगों की. फिर हम वहां जाके आपको कांटेक्ट करेंगे. तो फिर एम्बेसी ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि खुद से ही बस कर लो, इजी होगा. और कहा गया था कि छोटे ग्रुप में मत आना, लाइक बड़ा ग्रुप करना सेफ्टी के हिस्से भी, लाइक. और ये भी कहा गया था कि इंडियन फ्लैग्स बसेस पे. बसेस अरेंज करने का लगभग सीनियर्स थे जिनको अच्छी खासी लैंग्वेज बोलते आती थी, उनकी पहचान भी थी, उनकी पहचान भी थी. और कुछ थे मतलब आसपास के जो लोकल ड्राइवर्स भी थे, कुछ एक पाकिस्तान का भी एक सीनियर था पता नहीं, बट वो उसकी खुद की थी ट्रैवल एजेंसी टाइप, तो उसके थ्रू भी था. तो हम उससे भी कॉन्टेक्ट में थे, बट वो खुद इस ड्यूटी में लगा था. वो खुद हमने जिस दिन कहा, वो खुद बॉर्डर के लिए निकल गया था बच्चों को छोड़ने के लिए. तो उसने कहा कि मैं जब यहाँ से आऊँगा तब मैं बस अरेंज कर दूंगा आपको, मैं टाइम आपको कन्फर्म नहीं बता सकता. हमने सुबह के लिए ही कहा था, 26 कुछ पता नहीं था बरोबर. और हमें ये भी बताया गया था एम्बेसी से कि तुम्हें दिन में ही निकलना है, वरना हम निकल रहे हैं 25 की रात पे भी निकल सकते थे. क्यों दिन में क्यों निकलना, क्योंकि दिन में खतरा नहीं होगा ज्यादा. हाँ. डे लाइट रहेगा, तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा. तो फिर हमें कंफर्म नहीं था, तो हमने दूसरे सीनियर से बात की. उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा अरेंज, आप सुबह सुबह रेडी रहना, मैं आपको कॉल कर दूंगा सुबह, आप रेडी रहना 26 की सुबह ही. सामान लेकर आप रेडी रहो, मैं आपको जिस जहाँ बुलाऊंगा वहाँ आ जाओ सिटी में. उसने बोगजाल भी होता, बोगजाल मतलब रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को बोगजाल कहते हैं. तो वहाँ पे आ जाओ, तुमको हम वहाँ से लेकर जाएंगे. फिर हम 26 को सुबह वहाँ पहुंचे. तो सीनियर ने सब अरेंजमेंट करके रखी थी, तुम लोग वहाँ तक पहुंचो. और वहाँ से स्टूडेंट्स का अमाउंट बताया कि हम लोग इतने हैं और हमारी 22 सीटर बस थी. तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, उतने के लिए है जगह अवेलेबल. हमने उनके साथ बेहतर लगा. वो बस से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई, सुबह सुबह स्टार्ट हो गई लगभग 8-9 बजे. तो मैंने ये भी सुना था कि तेरे से तुम लोगों की बस जर्नी स्टार्ट हुई, तुम लोगों को लोकेशन दी गई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से, बराबर. लोकेशन कौन हैंडल कर रहा था तुम्हारे? लोकेशन हैंडल का मतलब क्या होता है, 2-4 बॉर्डर्स थे जैसे तो पोलैंड और हमने बताया था रोमानिया बॉर्डर. ड्राइवर को तो इन लोगों ने उस ड्राइवर को, जो इनका बस ड्राइवर था, उसको रोमानिया बॉर्डर बताई थी. लेकिन वहाँ पे कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ शायद से. हाँ, मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं हम लोग. ये लोग पहले रोमानिया पहुंचने के बजाय पहुंचे पोलैंड बॉर्डर पे, और इनकी किस्मत अच्छी कि पोलैंड बॉर्डर पे कितने किलोमीटर लाइन थी, 40 किलोमीटर लंबी लाइन थी. गूगल मैप से देखा तो बॉर्डर से हम 40 किलोमीटर दूर थे. तो इन्होंने गूगल मैप पे पहले चेक किया, रोमानिया पोलैंड बॉर्डर से लोग 40 किलोमीटर दूर थे और वहां से लाइन स्टार्ट थी. वहाँ पे तुम लोगों ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे नहीं रुकना है. आए भी गलती से ही थे. हाँ, गलती से ही पहुंचे थे तुम लोग, फिर भी वहाँ पे जाके तुमने डिसीजन लिया कि भैया नहीं रुकना है, कितना टाइम लगेगा, चलेगा, हम रोमानिया वापस जाएंगे. अच्छा, वहाँ से तुम लोग तुमने तुम्हारे हॉस्टल से पोलैंड तक की कितने घंटे की? हॉस्टल से पोलैंड तक 3.5 घंटे में पहुंचे, और पोलैंड से रोमानिया में उसको लगभग और उसको ज्यादा टाइम लगा, लगभग 4-4.5 घंटे लग गए. लगभग तुमने 10-11 घंटे बस में करा, बस में ट्रैवल किया. रात में 8 बजे पहुंचे, 12 घंटे ट्रैवल किया तुम लोगों ने बस में. और जब तुम रोमानिया बॉर्डर पे पहुंचे वहाँ पे भी लाइन थी, बराबर. हाँ, वहाँ पे छोटी लाइन थी, लगभग 12 किलोमीटर की थी. तो जब ये लोग बस लेके रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे, वहाँ पे बॉर्डर से लेके तो 12 किलोमीटर दूर तक वहाँ पे व्हीकल्स की लाइन थी बॉर्डर तक जाने के लिए. तो इन लोगों ने ड्राइवर को बताया कि यहाँ पे वेट करने से अच्छा हम लोग पैदल ट्रैवल करके बॉर्डर तक पहुंचते. तो वहाँ पे तुमने बस का ट्रैवल छोड़ दिया और पैदल ट्रैवल करना स्टार्ट किया. तो तुम्हारे पास लगेज भी था, एक बैग थी, सैक थी, और एक हैंड बैग थी.
कितना किलो वजन था उसका? लगभग इसका 7 से 8 किलो और इसका 7.6 किलो, 14-15 किलो वजन हर एक स्टूडेंट के पास था। और वहां से लेके तो बॉर्डर तक 12-15 किलोमीटर इन लोगों ने वॉकिंग डिस्टेंस कवर किया 15 किलो का वजन लेकर। तब टेम्परेचर भी वहाँ पे माइनस में था। और तुम लोग बॉर्डर तक पहुंचे कितने बजे? वहां से लेके तो कितनी देर लगी तुमको? लगभग 12 किलोमीटर का वजन, 10-10.30 बजे पहुंचे। 2 घंटे तुमने वॉकिंग डिस्टेंस कवर कर लिया। कंटिन्यू वॉकिंग, बस हम रुके थे जब हमें यूक्रेनियन जो लोकल्स थे मैंने बहुत ज्यादा रुक किया। उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे काफी सारे फूड के, हाँ। सब फ्री था? सब फ्री, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में। मतलब तुम्हारे लोकल्स ने बहुत सारी हेल्प की। वो खुद बुलाते थे सामने से कि आ जाओ खा लो, खालो पानी वगैरह पी लो, फिर आगे जर्नी कंटिन्यू। उसके बाद तुम लोग बॉर्डर पे पहुंचे, वहां पे क्या क्या हुआ? खाने की बात तो, और खाने एक्चुअली मतलब ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा खाने देते थे। मतलब बड़े उस पर कुछ उनके जो सॉसेजेस वगैरह थे वो ऐड करते थे। मतलब अच्छा खासा खाना प्रोवाइड कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि बाबा कुछ भी दे रहे हैं। हां वैसी बात नहीं थी। अच्छा, लोकल्स ने काफी हेल्प की, इंसान का अच्छे खासा पेट भर जाए इतना तो उन्होंने प्रोवाइड किया। अच्छा, उसके बाद तुम लोग पहुंचे बॉर्डर पे, अपनी जर्नी स्टार्ट करी। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद क्या हुआ? बॉर्डर पे पहुंचने पे तो पहले तो हमने इतनी भीड़ देखी, हमें लगा नहीं था क्योंकि सारे बोल रहे थे कि पोलैंड बॉर्डर की तरफ सारे अप्रोच कर रहे हैं। तो हमें लगा था कि 2-3 ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा हो गए रोमानियन बॉर्डर पे, बट काफी भीड़ हो चुकी थी क्योंकि हमें लेट भी हो गया था पहुंचने। फिर वहां पे पहले तो हमने एक कैफे था तो वहां अंदर गए लाइक हीटअप होने के लिए, काफी ठंड थी। कैफे तो हमारा दूसरा घर बन गया था बॉर्डर के लिए। और बॉर्डर पे कितने दिन थे तुम लोग? हम लगभग 26 की रात, 27 मई 27 के दोपहर में ही मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। अच्छा, वहाँ पे तुम दोनों हम स्प्लिट हुए? सेपरेट। और वो बॉर्डर से 2.5 दिन क्योंकि सुबह जो जर्नी स्टार्ट हो गई थी वो भी हेक्टिक थी 8 बजे से, क्योंकि हमारे पर हमने हैंड मेड फ्लैग लगा था और उस इंडियन फ्लैग का नहीं था। अच्छा हाँ, इंडियन फ्लैग नहीं था तुम लोगों तो हमें बनाया गया था तुम लोगों का भी। हमने A4 साइज के पेपर पे मार्कर से ड्रॉ किया। ये हमारे बस का, बाकी लगभग सबके पास थे। फ्लैग भी तुम लोगों को पेपर के ऊपर ड्रॉ वगैरह करके बनाना पड़ा। इमरजेंसी थी वो ज्यादा। फ्लैग भी तुम लोगों को मतलब प्रोवाइड करने लगा ऑब्वियसली कौन नहीं बराबर है। उसके बाद बॉर्डर से वहाँ पे अरेंजमेंट क्या थी, कैसे क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर तुम लोग, या वहाँ की जो मिलिट्री थी वो तुम लोगों को कैसे छोड़ रहे थे? मिलिट्री तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी, मतलब यूक्रेन की मिलिट्री, यूक्रेन की, यूक्रेन के सोल्जर्स। वहाँ पे सीज फायर भी हो रहा था बॉर्डर्स पे और काफी भीड़ थी, कोई सिस्टमैटिक वे में कोई लाइन ऐसे कुछ भी नहीं था। पूरी क्राउड रैंडमली छोड़ रहे थे, जो भी आएगा पहले उनके सामने उसे वो खींच ले रहे थे। हड़ुस तुड़ुस कर रहे थे इन शॉर्ट। हाँ, वो तो कर ही रहे थे, उसके साथ खींच रहे थे इन द सेंस, मतलब अगर चल तू आ गया सामने एक ले लिया तो फिर उसके बाद आधा एक घंटा किसी को नहीं ले लिया, किसी को उठाने का, उधर बॉर्डर क्रॉस कराने की, फिर से बॉर्डर बंद, बॉर्डर बंद, और बॉर्डर बंद आधा एक घंटा हो जाता था तो वापिस सब बच्चों में हल्ला बढ़ गया, बढ़ता था डर लगने वाला ऑब्वियसली। हाँ, कि कब निकलेंगे भाई बाहर, और ठंड भी बढ़ रही थी, ना कोई शेल्टर था। तुम लोग पहले मंदिर निकले ना? हाँ। तो तू निकलने में तब तक कुछ दिक्कत आई क्या? हाँ यही थी, बट इतना था कि मेरे टाइम स्नोफॉल स्टार्ट नहीं होती। हाँ। तू निकलने के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है तुझे? मैंने स्वाद ले लिया था स्नोफॉल का। 7 को दोपहर में लाइक काफी यूनिवर्सिटीज के एजेंट्स भी आए हुए थे वहाँ पे जो उनके स्टूडेंट्स को निकाल रहे थे। तो फिर इवानो यूनिवर्सिटी से आए थे एजेंट, तो पहले हमारा ही रैंक था लाइक टर्नोपिल के स्टूडेंट्स को निकालने वाले थे, बट वहाँ एजेंट ने पहले हमें कहा कि अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद 2-3 घंटे बाद बॉर्डर खुलेंगे, तो सारे बच्चों को वहां से भेज दिया फिर से। तो उतने में तुरंत सोल्जर्स ने कॉल किया टर्नोपिल स्टूडेंट्स, तो हम पहुंचने तक उन्होंने इवानो के ही 100 स्टूडेंट्स भेज दिए।
कॉल तुम लोगों को किया और स्टूडेंट्स दूसरे भेज दिए। टर्नोपिल फर्स्ट क्यों? क्योंकि टर्नोपिल के 300 प्लस स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। तो तुम्हारी क्वांटिटी ज्यादा थी? बहुत ज्यादा थी। वो लगभग आते थे दिन के 100-150 बच्चे। इवानो के, इवानो का ही एजेंट था, कॉन्ट्रैक्टर बोलते एजेंट, तो उनका ही था वो। और विनीत सा कभी अगले दिन आया था 28 को। बाकी उसके पहले हमारे ज्यादा स्टूडेंट्स थे तब भी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था पहले। हमारा कॉन्ट्रैक्टर आया था 27 के शाम को, जिस दिन ये सुबह में निकली उसके शाम में आया था। तब भी उसने कहा था कि तुम एक लंबी सी लाइन कर दो, मैं लाइन में सब टर्न करके छोड़ूंगा, बाकी यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के अलावा यहाँ कोई नहीं चाहिए। तो उनसे भी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं, मतलब कुछ बच्चे निकल गए, हम लाइन में लंबे पीछे थे। निकले गए थे तुम लोग? मैं तो लाइक जब उन्होंने फिर बाद में कहा कि इवानो के गर्ल्स पहले जाएंगे, तो फिर उसमें लाइक मैं पहले ही थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के ग्रुप में, तो मैं बॉयज में ही थी, तो मैं अकेली रह गई। तो फिर वो उनके बॉयज ने भी, इवानो के जो बॉयज थे, उन्होंने भी कहा कि इसे भेज देते क्योंकि मैं अकेली फंस जाती वहाँ पे। अच्छा, वो वहाँ के बॉयज ने हेल्प की? हाँ, फिर उन्होंने फिर मैंने इवानो की स्टूडेंट बोल के मैंने फिर बॉर्डर क्रॉस की। पीछे लड़कियां भी थी। अच्छा, तो वो टर्नोपिल की स्टूडेंट थी लेकिन तुमने झूठ बोल के वहाँ से? बराबर है। हाँ नहीं, इसके पीछे थे सब लड़कियां इवानो की, और उनका क्या था कि मतलब गर्ल्स को पहले भेजने, तो अच्छा भी था क्योंकि फंस जाते सब गर्ल्स, तो गर्ल्स की अलग लाइन थी और टर्नोपिल की लड़कियों की अलग लाइन थी। और मतलब रीच कर दिया था शॉर्टली कि इवानो के बच्चों ने पहले, हम यहाँ टर्नोपिल की लाइन बना लेते लेफ्ट टाइम में, वो बीच में घुस गए और सब राइट के लेफ्ट में इवानो के आ गए, तो उन्होंने सब सब तहस नहस कर दिया। चलो तू तो निकल गई, तू निकला कैसे फिर वहां से? इसके शाम में भी स्नोफॉल है, भी स्नोफॉल हुआ था, तो तब भी हम बॉर्डर पे खड़े थे, तब भी एक लाइन में खड़े थे। और फिर 28 को निकला, मेरा कोई आ गया था वहाँ पे जो इंडियन बात कर रहा था, और क्लेम किया था कि वो यूक्रेनियन का कोई है, मतलब कोई अच्छे खासी पोस्ट पर था, तो उसकी हेल्प से निकले हम। उसने कहा कि बॉयज की पूरी एक अलग लाइन करो, जितनी लंबी होती उतनी लंबी करो, उसने गारंटी दी कि मैं सबको निकालूंगा। तो फिर एक लाइन लंबी 2-3 लाइन हो गए थे, वहां पर भी ग्लिच स्टार्ट हो गया था, बट उसके बावजूद भी उसने मैनेज कर लिया, उसने निकलवाया सबको। तो इसके डेढ़ दिन बाद तू निकला है? हाँ, देर से दो। और रोमानिया में आने के बाद तुम लोग इंडियन तो वही बॉर्डर बस बॉर्डर क्रॉस कर लिए थे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद खत्म? बॉर्डर बस पासपोर्ट दिखाना था, वहां से निकल गए आजादी। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या किस्सा हुआ? तो उसके बाद हमें सिम भी मिला वहां से, सिम कार्ड, सिम कार्ड दिया। रेफ्यूजी कैंप्स थे इंडियन एम्बेसी की तरफ से? वो नहीं, वो लोकल्स ने किए थे वहाँ पे सब, रोमानिया के लोकल्स। हाँ, और रेड क्रॉस सोसाइटी ने, रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया। ओके, रेड क्रॉस सोसाइटी ये ऐसे ऐसे वक्त क्राइसिस के टाइम हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी ने और वहाँ के लोकल्स ने ऑलरेडी शेल्टर्स बना के रखे हुए थे रोमानिया में। तो रोमानिया आने के बाद तुम लोग वो शेल्टर्स में? तो नहीं, पहले तो उनके कैंप्स थे, रेफ्यूजी कैंप्स, कुछ 4-5 टेंट्स थे जो बहुत जिनको नेसेसिटी उनके लिए था। तो फिर हमने पैक्ड फूड भी दे रहे थे वो, तो हमने वो लिया, सिम कार्ड लिया, सिम कार्ड नेसेसरी था। और फिर एक होटल था पास में, वहां से भी हम लगभग 2 किलोमीटर चलते हुए, बट वो वहां से निकल गए थे तो खुशी में पता नहीं चला कि इतना चलना। हम लोगों को भी तब फोन, मतलब इसका मैसेज आया था तब कि एक बार बॉर्डर क्रॉस, इधर तो बहुत टेंशन था जब वो तो 4 दिन जो इन लोगों के या हम लोगों ने गुजारे, वो तो हम लोगों को वर्ड्स में बता भी नहीं सकते, इधर क्या सिचुएशन थी और इनकी अलग ही सिचुएशन थी। तो इंडियन एम्बेसी ने कवरेज किया रोमानिया में आने के बाद? इंडियन एम्बेसी ने शेल्टर में जब हम गए रोमानिया के, वहां पे इंडियन एम्बेसी के, तब भी शायद एक दिन कोई नहीं आया था। एक सेकेंड डे हम जब बहुत बोल रहे थे कि हमें अब जाना है यहाँ से, तब हमने कुछ प्रोटेस्ट भी किया था, लाइक हमारे शेल्टर में, तो इनके पता नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं। हमने मतलब एक फूड काउंटर ही था वहाँ पर, यार डाइन और यहाँ पर फूड। तो उसके बाद तुमने बॉर्डर से एक और क्रॉस किए बुचारेस्ट में पहुंचने के बाद, तो तुम्हारी लाइफ मतलब इजी थी? हाँ, सब अरेंज करके रखा हुआ था, फूड तुम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था, धीरे धीरे ट्रुप्स के हिसाब से फ्लाइट अरेंज करके भेज रहे थे। तो उसके बाद तो सब मामला सेट था। उसके बाद पहले तू निकली वहाँ से ना, दिल्ली के लिए, उसके बाद तेरी टिकट निकली। तो उसके बाद तो सब कुछ बराबर से हुआ। दिल्ली में पहुंचने के बाद महाराष्ट्र सदन में तुम लोग रहे, पहले तेरी फ्लाइट बुक हुई, बाद में इसकी फ्लाइट बुक हुई, और कोइंसिडेंटली एक ही दिन में
मुझे लगा था मेरे अगले दिन होगा। हाँ, पहले मंदिरा की फ्लाइट बुक हुई थी, हम लोगों को 6 घंटा पहले कॉल आया था, इसका कॉल है ना कि 6 घंटा पहले कॉल आया था मंदिरा के घर से कि मंदिरा की फ्लाइट बुक हो गई है, शायद अक्षत के एक दिन पहले ये पहुंच जाए। लेकिन 6 घंटे बाद उसी शाम में, जिस मैंने ब्लॉग में बताया इसके पहले कि अक्षत का कॉल आया, तब भी अक्षत की फ्लाइट बुक हो गई और कोई इंजीनियर दोनों की फ्लाइट सेम टाइम पे थी, 50 मिनट का पास हो गया। बाद में सबसे दिल्ली में बस टर्मिनल अलग थे, बाकी सब तो, और मेरी फ्लाइट भी डिले हो गई थी लगभग 25 मिनट। तो ऐसा कुछ प्रवास रहा, मतलब लोगों तो मुझे क्वेश्चन आता है इंडिया में जो तुम लोगों ने इंडिया में एडमिशन लेने के बजाय वहाँ पे एडमिशन लेने का क्यों सोचा? बहुत से रीजंस थे उसके। हाँ, तो ये 3 दिनों से मैं सुन रहा था कि इंडिया में क्यों नहीं एडमिशन लिया, इंडिया में क्यों नहीं एडमिशन लिया। तो अक्षत ने और मंदिरा ने उसका अच्छी तरह से जवाब दिया था, तुम लोग बताओ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सीट्स काफी कम है, तो गवर्नमेंट्स के जो मेडिकल सीट्स रहते हैं वो काफी कम है। हाँ। और बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेने वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, और प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा है। फिर भी कितना है? 1 CR 1 करोड़ रुपए। पहले डोनेशन देने का, फिर फीस अलग भरनी है। 1 CR पूरे एजुकेशन तक का। हाँ, टोटल एजुकेशन। हाँ, 1 साल के 20-22 लाख। और यूक्रेन में कितना? यूक्रेन में बहुत कम। यूक्रेन में सारा 6 ईयर्स का कोर्स था, वो पूरा लाइक 45-50 लाख। बहुत मैक्स टू मैक्स। मैक्सिमम 50 लाख में तुम्हारा पूरा 6 ईयर का कोर्स। हाँ, 50 लाख में हो जाता है विदाउट एनी डोनेशन। और प्लस वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो ये एक पॉइंट था, मुझे आप लोगों तक पहुँचाना था, और ये मैं 3 दिनों से सुन रहा था। नहीं, और तो लाइक बाकी स्टूडेंट्स भी इंडिया के फ्लैग के थ्रू ही पास हो सकते हैं। हाँ, वो भी सुना था मैंने, पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स ने इंडिया का फ्लैग लेके बॉर्डर क्रॉस किया था, बॉर्डर तक आए थे। हाँ, ताकि उनको ऑन रोड कहीं कैजुअलिटी ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी जद्दोजहद करके इंडिया के स्टूडेंट्स को बाहर निकाला। हाँ, बराबर। बाकी स्टूडेंट्स ने तो होप छोड़ दिए थे कि हम लोग निकलेंगे भी या नहीं। इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या बोलेगा तुम लोग? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट से ऐसे बहुत अच्छी हेल्प थी, वहाँ पर भी बहुत ध्यान रखा था हमारे बच्चे को, टाइम टू टाइम अरेंज थे। तो किसी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बॉर्डर तक प्रॉब्लम है, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो भी ऐसा क्योंकि उनके हाथ में नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, एम्बेसी के हाथ में नहीं था। उसके बाद से जो हो सका उन्होंने सब किया था।